हाय गाइस, माय नेम इज़ निधि शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एंड आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो बेसिकली आज की जो वीडियो होने वाली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली बिकॉज ये हेयर केयर पर है। तो मैं आपके साथ कुछ प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ माई क्लैम के प्रोडक्ट्स की, जो कि बहुत ज़्यादा ही लोग यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि उन्हें मैं भी इस्तेमाल करके देखूँ, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे थे। तो मैं जेन्युइन तौर पर एक रिव्यू देना चाहती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है शेयर करना आपके साथ। तो यस, तो चलते हैं वीडियो में। तो उससे पहले मैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा एंड शेयर भी कर लीजिएगा एंड आइकन बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली जितनी वीडियो की नोटिफिकेशन होंगे एंड आपकी स्क्रीन पे ज़रूर दिख जाएंगे। तो यस, तो चलते हैं, एक एक रिव्यू आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ तो मैं पहले आपको प्रोडक्ट दिखा देती हूँ जिसकी मैं बात कर रही हूँ। यस, मैंने ऑलरेडी पहले से माय ग्लैम का शैम्पू यूज़ कर लिया ले लिया है एंड कंडीशनर भी लिया है, एज वेल एज इनके ऑयल भी मैंने परचेज़ किए थे एंड सीरम। ये बेसिकली मुझे 4 मटेरियल ऑलरेडी ऐप पे मिल चुके थे, जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक जेन्युइन सा रिव्यू। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सब बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो में। तो बात करते हैं शैम्पू की। ये शैम्पू क्लेम करता है हेयर फॉल को रिड्यूस करने में एंड हेयर ग्रोथ को एक्सेलरेट करने में। मैं बता दूँ, ये एंटीऑक्सीडेंट्स के मामले में काफ़ी रिच है, जहाँ पे विटामिन ए, सी और ई है, जो कि हेयर्स के लिए बहुत सफिशिएंट है। बात करते हैं कंडीशनर की। ये कंडीशनर क्लेम ये करता है कि आपकी जितने भी ड्राई हेयर्स है उसे रिपेयर करेगा एंड डैमेज फ्री करेगा, ताकि आपकी हेयर स्मूथ हो जाए, सिल्की हो जाए एंड फुल ऑफ बाउंस हो जाए। सो यस, सो नेक्स्ट बात करते हैं हेयर ऑयल की। इसमें पहले से ही भृंगराज, कोकोनट, आलमंड एंड सेसम ऑयल है, जिनको हम कहते हैं बूस्ट हेयर ग्रोथ एंड ये हमारे हेयर्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। द बेस्ट पार्ट ऑफ द हेयर ऑयल इज़ दैट कि इसमें जिंक है और जिंक आपकी केराटिन प्रोडक्शन के लिए काफ़ी हेल्प करता है, जिससे हेयर बहुत अच्छे रहते हैं। सो यस, आपकी हेयर्स से काफ़ी अच्छे होने वाले। नेक्स्ट बात करते हैं अब हेयर सीरम्स की। मैं बता दूँ, इनकी स्मेल काफ़ी माइल्ड है, जो कि आप सबको पसंद ज़रूर आएगी। एंड इनके टेक्स्चर्स की बात करूँ तो काफ़ी ये ज़्यादा नॉन ग्रीसी है एंड लाइट वेट है। एंड कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो इसमें ऑनियन सीड ऑयल, जो कि मोरिंगा के साथ काफ़ी ज़्यादा इन्रिच्ड है, जहाँ पे विटामिन ए और सी और ई से फॉर्मुलेट किया गया है, जो कि हमारे हेयर्स के लिए काफ़ी अच्छी है। एंड इसमें आर्गन ऑयल है, जो कि हमें ड्राई एंड फ्रिज एंड टैंगल फ्री करती है इंस्टेंटली। तो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ अब हेयर ऑयल। इसकी स्मेल जो है वो काफ़ी माइल्ड है, आप आराम से इसे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैं कुछ फ्यू ड्रॉप्स ही स्कैल्प पे अप्लाई करने जा रही हूँ, ताकि मेरे अच्छे तरीके से ऑयल स्कैल्प पे स्प्रेड कर जाए। रीज़न ये है क्योंकि इकट्ठे ही लगाने से सारे ऑयल हेयर्स पे स्प्रेड नहीं करते, तो आपको जेंटल सा मसाज देना है। जब भी आप हेयर ऑयल करते हो तो मैं आपको बता दूँ, 10 to 15 मिनट तो एटलीस्ट आपको डीप मसाज देना होगा, जिससे आपके ब्लड सर्कुलेशन बनी रहे और आपकी स्ट्रेंथ इन हेयर्स की बनी रहे। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप तो और भी मैं बताना चाहती हूँ कि वीक में आपको डिफरेंट डिफरेंट हेयर ऑयल्स ट्राई करने हैं, जिससे उसकी बेनिफिट्स हमेशा बनी रहे।
आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, एज वेल एज कॉमेंट करके बताइएगा अगर आप भी यूज़ करते हैं तो, और यूज़ करने के बाद आपके हेयर टेक्सचर्स क्या है वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।